भाई भी दिल्ली जा रहे हैं, आपको शायद ब्लॉक में दिखे भी होंगे, तो अब इनसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात होगी। तो अभी इनको हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, और हमारे घर के सदस्य सभी लोग खड़े हैं। दिल्ली के लिए अभी रवाना हो रहे हैं, बस दी जा रही था। हम अभी कामता चौराहे पर खड़े थे, आपको दिखाते हैं। हम प्रयागीपुर चौराहा आ गए हैं, हमारे पीछे बस लगी हुई है, इस पर हमारी भाभी जी बैठी थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोनू भैया रिसीव करने गए हैं, तो यहाँ से हम रेलवे स्टेशन चलते हैं, आपको चौराहा दिखाते हैं। हम रेलवे स्टेशन आ गए और दिल्ली छोड़ने के लिए आ गए हैं, हम आपको दिखाते हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जा रहे हैं, तभी सुल्तानपुर की मुंबई साकेत लगी हुई है 1 नंबर पर। सो गाइस, सतभांगा ट्रेन लग चुकी है, हम धीरे धीरे S3 में जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4। सो गाइस, ये गठरी, अभी हम लोग गठरी रखने जा रहे हैं, हवा हवा हवा। अभी हम लोग गठरी लाद रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं S3 में 22 नंबर सीट है, हम लोग पहुंच चुके हैं, काफी तेज गर्मी भी है। हेलो गाइस, तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हैं, संभावना गाड़ी खड़ी है, जिसपे भैया जी हमारे जा रहे हैं दिल्ली के लिए। तब दिल्ली से नवंबर में वापसी होगी, तब तक के लिए हम इनको छोड़ते हैं। दिल्ली वाले बैठो भैया दिल्ली भैया बैठ जाओ, छूटने वाली है। दिल्ली क्या है, तब हम जाते हैं, तब के लिए सफर बहुत ज्यादा है। सो गाइस, तभी भीड़ भी काफी तेज है, तो शायद जनरल में तो काफी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, भागते हुए जा रहे हैं, भागते हुए अभी जा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं। छोड़कर हम इनको जा रहे हैं भैया दिल्ली। हाँ, सुल्तानपुर टू गाजियाबाद हम बैठा दिए हैं, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। सो हमारी भाभी जी आ गई हैं, एक बार फिर से नीचे आ गई, तब दोबारा जाएंगी बैठेंगी, इसके बाद टाइम हो गया है ट्रेन छूटने का, तब यहाँ से ये लोग निकलेंगे और हम भी यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। जाते ही पाला।